और जिसकी वजह से वो मिसबिहेव करते हैं और इसके साथ ही उन्हें ये एहसास होता है कि मैं आम बाकी बच्चों की तरह भाग दौड़ नहीं सकता या मैं बाकी बच्चों की तरह से जो है वो सोसाइटी में मेरी इनपुट नहीं आ सकती उसके बाद मेल न्यूट्रिशन जो है जब आप बॉडी में आ, एक खुराक की ज़रूरत पूरी नहीं होती तो उसके बाद भी बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ चूँकि कम्प्लीट नहीं हो रही होती या कॉम्प्रिहसिवली नहीं हो रही होती तो उससे भी बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं उनमें आ सकते हैं उनके कुछ लेवल्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं अग्रेशन के और पेरेंट्स के साथ और उसके बाद अपने क्लास uh, फेलोज़ के साथ और टीचर के साथ वो बिहेवियरल इश्यूज़ में जा सकते हैं और uh, अगर uh, इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जैसे जेंडर uh, uh, भी है जेंडर रोल्स में बॉयज़ आर मोर एग्रेसिव दैन गर्ल्स और इसके अलावा चिल्ड्रन का जो घर में नंबर है अगर अकलौता बच्चा है तो उसके भी बिहेवियल इश्यूज बड़े हैं और उसके चूँकि उसको ये एहसास होता है कि आई एम अलोन एंड अदर चिल्ड्रन दे हैव देयर सिबलिंग्स तो उनको इस वजह से भी बड़ी जो है वो डिप्रेशन में वो आते हैं और उनके अंदर बिहेवियल इश्यूज भी काफ़ी हैं क्योंकि वो एक किस्म का रिवेंज जो है वो आ, ले रहे होते हैं बाकी बच्चों से जिनके बहन भाई हैं और मारेंगे उनको और धक्का दे देंगे और इस तरह उनकी चीज़ें उनके टॉयज़ छीन के तोड़ देंगे बगैर किसी वजह के तो बेसिकली उनको ये एहसास हो रहा होता कि मेरा बहन भाई नहीं है और इन सब के बहन भाई, भाई हैं तो जिसकी वजह से वो वाली जो कमी उनके अंदर है वो भी बिहेवियरल इश्यूज जो है वो उनके अंदर लेके आती है इसमें हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हैं हेरिडिटरी में आप अपने पेरेंट्स से जीन्स में अगर जिस किस्म की भी आ, आपकी आ, पीछे हिस्ट्री है पेरेंट्स की अग्रेसिवनेस की तो बच्चों में भी वो चीज़ जो है एलिमेंट आता है जिस तरह शुगर है अगर हमारे पेरेंट्स के शुगर है तो वो हम कहते हैं कि हम फिफ्टी परसेंट हमारे चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं शुगर पेशेंट बनने के इसी तरह से यहाँ पे भी एग्रेशन जो है वो आ, कर सकता है डोमिनेट बच्चों के अंदर अगर पीछे पेरेंट्स की हिस्ट्री जो है वो एग्रेसिवनेस की है इसके अलावा इन्वायरमेंट बड़ा बहुत बड़ा एक फैक्टर है इन्वायरमेंट अगर घर का इन्वायरमेंट पीसफुल नहीं होगा वो एग्रेशन क्रिएट करेगा और बच्चे बिहेवियल प्रॉब्लम का शिकार होंगे इसी तरह से अगर घर में पेरेंटिंग ठीक नहीं है तभी बिहेवियल इश्यूज़ होते हैं अगर पेरेंट्स ने कुछ बच्चों को बड़े बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दूसरे बच्चे को कम इम्पॉटेंस देंगे तो बिहेवियल इश्यूज आप ज़रूर आएंगे और बच्चे अपने आप को कंपेयर करना पसंद नहीं करते और बच्चे अपने आप को इग्नोर होना भी पसंद नहीं करते ये दो रीज़नस हैं जिसकी वजह से वो बिहेवियल इशूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं क्लास में भी अगर टीचर जो है बच्चों के साथ जस्टिस नहीं करता किसी को ज़्यादा मार्क्स दे दिए किसी को कम दे दिए फेवरेट स्टूडेंट्स कुछ बना लिए उससे भी बच्चे बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो शो करते हैं डिसिप्लिनरी इश्यूज़ शो करते हैं और तोड़ फोड़ मार धाड़ करके वो अपना गुस्सा निकालते हैं इसके साथ जो है कंडक्ट डिसऑर्डर भी अपोजिशनल डिफिन डिसऑर्डर यानी कुछ ये डिसऑर्डर्स हैं जो कि बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के साथ लिंक्ड हैं कि कंडक्ट में ये है कि उनका जो जैसा भी उनका बर्ताव है किसी के साथ आ, वो वो ठीक नहीं होता और चाहे वो कोई भी हो वो रूडली उसके साथ बात करेंगे एग्रेसिवली बात करेंगे ज़रा सी बात होगी तो उनमें टॉलरेंस टॉलरेंस बहुत कम होती है फ़ौर से जो है वो अगले बंदे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे बेसिकली पीछे जो इसकी हिस्ट्री चल रही होती है आ, ये जो हैं, हम रहे हैं रीज़न्स यही हैं कि uh, जैसे बच्चा जो है वो लव एंड बिलोंगिंगनेस जब उसके अंदर उसकी वो नीड पूरी नहीं होती तो उसके साथ उस, उसके साथ जो सलूक है घर में और क्लास में वो बड़ा ही आ, एक बायस्ड किस्म का एटीट्यूड उसके साथ रखा जाता है तो ये दो रीज़न्स बड़ी स्ट्रांग हैं जो किसी की बच्चे के अंदर बिहेवियरल इश्यूज जो है वो पैदा कर सकती हैं इसके अलावा पेरेंट्स अगर अटेंशन नहीं देते अपने बच्चों को प्रॉपर और टीचर भी अटेंशन पे नहीं करता उस बच्चे की तरफ तो तब भी ये दोनों चीज़ें जो हैं बच्चे में बहुत ज़्यादा एग्रेशन पैदा करती हैं और वो बिहेवियरल इश्यूज का जो है वो शिकार होता है और बिहेवियरल इश्यूज में बच्चे करते क्या हैं वो यही है कि तोड़ फोड़ करेंगे बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे घर की चीज़ें जो हैं वो भी ख़राब करेंगे पेरेंट्स के साथ रूडली टॉक करेंगे और जो पेरेंट्स उनको एडवाइस करते हैं वो उसके अपोज़िट चलना पसंद करते हैं इसी तरह टीचर भी जो उनको एडवाइस करती है वो उसके अपोज़िट चलेंगे कभी भी अपना काम डेडलाइन के साथ कंप्लीट करके नहीं लाते सो दीज़ आर मेजर कॉजेज़ Uh, uh, that are responsible for creating behavioral uh, disorders among children. So, we should focus on these uh, disorders to improve the behavioral issues of children.